बीबियों को पुरसा जरूर दीजिएगा। मेरा दिल कहता है आज जब मदीने में इमाम सज्जाद को जहर दिया गया होगा तो सबसे पहले जनाब जैनब आई होंगी। और सैयद सज्जाद आपने शाम की कैद में मेरा बहुत साथ दिया। ऐ सैयद सज्जाद जब कोई मेरे साथ नहीं था उस वक्त आपने मेरा साथ दिया। तो इमाम सज्जाद के लिए सबसे पहले जनाब जैनब। और किसका मौला को बहुत ज्यादा गम है आए जरा अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो फिर आंखें बंद करके जरा मेरे साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम का रास्ता है, रास्ते में एक मकाम पे इमाम सज्जाद पांव फैला के बैठे हैं। एक छोटी सी बच्ची ने सवाल किया, भैया क्या बात है आपने पांव क्यों फैला रखे हैं? भैया कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा आपने पांव फैलाए हो। का बहन मेरे पांव में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं, मेरे कांटे मुझे अजियत कर रहे हैं लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, गले में तौक है, मैं अपने पांव से कांटे नहीं निकाल पा रहा। तो एक मर्तबा एक छोटी सी बच्ची जब रस्सियां खुली तो एक एक कांटा मौला के पांव से निकालना शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं मैं अपनी बहन को भुला नहीं सकता, मेरी बहन ने बेने पांव से एक एक कांटा निकाला। मेरे पांव में कांटे थे, मेरी बहन ने कांटे निकाले लेकिन मेरी बहन से कोई पूछने वाला नहीं था, बीबी आपके भी तो पांव में कांटे लगे हैं, कोई आपके पांव से कांटे निकाल दे। अजरकुम अल्लाह भाई, आपके भी शायद घर में छोटे बच्चे होंगे, शायद छोटे बहन भाई हों, छोटे बच्चे हों, आप में भी औलाद वाले बैठे होंगे। बस भी मौला सज्जाद कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा मेरी बहन के सवालों ने रुलाया है, मेरी फुफियों के पर्दे ने रुलाया है। दो बातें मेरी मौला को बहुत रुलाती थी। मौला फरमाते हैं मेरी फुफियों का पर्दा और मेरी छोटी सी बहन के सवालात, सुने के सवालात। अगर किसी के घर में बच्चा हो ना, आज बच्चे को प्यार करके कहिएगा कि आपके कानों से किसी ने बालियां तो नहीं छीनी है, आपके किसी बच्चे को किसी ने तमाचे तो नहीं लगाए। आज रोको मल्ला भाई, आज कोई बुखल ना करे। मैंने इसीलिए फजाइल मुख्तसर पढ़े, मैंने सारे फजाइल छोड़ दिए। बस भी सुनेंगे, मौला कहते हैं मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। मैं इससे पहले के सवालों को पेश करूं। जानते हैं जब किसी एक मौला के शिया ने दावत दी का मौला मेरे भाई की शादी है, कुछ देर के लिए शादी में आ जाएं। मौला तड़पने लगे, कब मैं करबला के बाद से शादियों में नहीं जाता, कब मौला मेरी बड़ी हसरत है आप कुछ देर के लिए शादी में आ जाएं। मौला ने कहा अच्छा एक शर्त पे आऊंगा, कब मौला क्या शर्त है? कब कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाए पढ़ लेना, अगर अली अकबर के मसाए पढ़ोगे ना मैं तुम्हारे भाई की शादी में आ जाऊंगा। का मौला ठीक है हम मजलिस कर लेंगे। मौला मजलिस करेंगे आप आएंगे? कहा हाँ, अपने भाई की शादी में कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाए पढ़ देना। जब वो मसाए पढ़ने लगा ना, शादी थी मसाए पढ़ने लगा, मौला ने एक मरतबा आवाज दे के कहा जरा चराग गुल कर दे। कहा मौला चराग को क्यों गुल कर दूं? कहा ये रोशनियां बुझा दे, कहीं ऐसा ना हो कोई आदमी रोने में शर्म कर रहा हो, क्या कोई रोने में शर्म ना करे, चराग बुझा दे ताकि लोग खुल के रोए। ये जो धीमी आवाज से रो रहे हैं ये बुलंद आवाज से रोए। रात का वक्त था, जब दोबारा चराग जलाया ना तो देखा इमाम सज्जाद मौजूद नहीं है। वो सब उठे, कहां गए मौला? देखा दरवाजे पे खड़े हैं। कहा मौला दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? कहा अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब ये मेरे मेहमान हैं। कहा ये मेरे भाई की अजादारी में आए हैं, इन सबको मैं खुद विदा करूंगा, अब ये मेरे मेहमान हैं। भाई आज इमाम सज्जाद का पुरसा दे रहे हैं, मैं अपनी बहनों से कहूंगा तलाश कीजिएगा कोई जनाबे सकीना ना आई हो, शायद किसी बीबी के पहलू में कोई बच्ची बैठी हो जो भाई का पुरसा लेने आई हो। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह सांस ले ले, मैं अभी पढ़ूंगा। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है, ये मुसलसल रोना जनाब जैनब का काम है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई
आए मेरे साथ चलिएगा। मौला फरमाते मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया, आए मैं पेश करूं मौला की बहन के सवाल क्या थे। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं दो तरह के जिंदान थे, एक जिंदान जिसमें रोशनदान भी नहीं था, कोई रोशनी नहीं आती थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, दूसरा जिंदान जहां पे छत नहीं थी। मौला फरमाते हैं बारिश होती थी तो बीबियों पे आती थी, धूप पड़ती थी तो बीबियों पे आती थी। क्या एक मर्तबा एक जिंदान में छत नहीं थी, मेरी बहन ने सवाल किया भैया ये सुबह सुबह परिंदे कहाँ जाते हैं। मौला ने कहा बहन ये दाना चुगने जा रहे हैं, ये पानी पीने जा रहे हैं। जब शाम हुई कहा भैया अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। कहा बहन ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं, ये अपने आशियानों को वापस जा रहे हैं। मौला कहते हैं मेरी छोटी सी बहन ने एक सवाल किया भैया परिंदे तो अपने घरों को वापस चले जाते हैं, क्या कैदी भी अपने घरों को वापस जाते हैं या कैदी जिंदानों में मर जाते हैं। अजरक मलला बस भाई आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है रोने की। अजरक मलला आज इमाम सज्जाद का पुरसा दीजिएगा तीन बीबियों को, पहली जनाब ज़ैनब कुबरा, बीबी आपको आपके भतीजे का पुरसा देने आए, दूसरी जनाब सकीना, तीसरी जनाब सैयदा। मैं आज कह रहा था चार ताबूत ऐसे हैं जो बड़े ही मजलूम ताबूत हैं। पहला जनाब फातिमा तो जहरा का ताबूत है, सिर्फ 14 अफराद थे ताबूत में, सिर्फ 14 अफराद थे। दूसरा जनाब सकीना का ताबूत है, कभी जिंदानों में आपने कब्रें बनती नहीं देखी होंगी, ये ऐसा है ताबूत के जिंदान में कब्र बनी है। तीसरा इमाम सज्जाद का ताबूत है, इस ताबूत पे जंजीरें पड़ी हुई थी। चौथा ताबूत किसका, इमाम मूसा काजिम का, चार मजदूरों ने पुल बगदाद पे ताबूत को रख दिया था। अज़रकुमल्ला बस भाई मैंने तमाम कर दिया। आज हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने वलीद इब्ने मरवान ने इमाम को जहर दे दिया, जब जहर दिया ना तो एक मरतबा सारे इमाम के बच्चे जमा होने लगे, इमाम बाकर आगे बढ़े, सारे इमाम के बहन भाई जमा होने लगे, मदीने के तमाम सादात जमा होने लगे, इमाम हसन की जो नस्ल से सादात थे सब जमा हो गए। अरे चौथे इमाम को जहर दे दिया गया, 25 मुहर्रम को इमाम को जहर दिया ना, सब जमा होने लगे। कह रहे चौथे इमाम को जहर दे दिया, जब सब जमा हो गए कोई पानी लेके आ रहा था, कोई मौला आपको अगर प्यास लगी है, कहा नहीं पानी मत लाओ मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कहा हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया मुझे कोई पानी ना दो। एक मरतबा इमाम तड़पने लगे, पांचवें इमाम आ गया, कहा बाबा मैं आपका जनाजा पढ़ाऊंगा। कहा बेटा आप मेरा जनाजा पढ़ाना। एक मर्तबा सब सादात ने कहा बड़े शान और शौकत से जनाजा उठाएंगे, कहा खबरदार मेरे जनाजे में शान और शौकत ना हो। हाय मेरा बाबा करबला की रेत पे 3 दिन जनाजा पढ़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था, मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए। अज़रकुमल्ला बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, अभी ताबूत बरामद होने वाला, जंजीरें भी लगी हैं। मैं एक सवाल करूं, 12वें इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे जिसकी गोश्त को, जिसके गोश्त को जंजीरें खा गई। जब एक मर्तबा खारदार तौक उतारा ना तो पूछा मौला ये निशान कैसे हैं। कहा इस तौक के निशान है, मैंने सारे मसायब छोड़ दिए, बस भाई 2 से 4 मिनट की अगर सब मुझे देख सके। 3 ऐसी हस्तियां हैं जो जब गुस्ल दे रहे थे गुस्ल छोड़ के रोने लगे, पहले अली इब्ने अबी तालिब हैं, जब जनाबे सैयदा को रात की तारीकी में गुस्ल दे रहे थे, कहा सैयदा अपने हाथ को हटाएं, जैसे कहा ना हाथ को हटाएं, बीबी का हाथ हटा, अली जैसे शेर जरफे आप जमीन पे फेंका, अपनी पेशानी को दीवार पे रखा, बुलंद आवाज से रोने लगे कहा हाय सैयदा। जनाबे फिजा ने पूछा या अली कभी शेर भी ऐसे रोया करते हैं, या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं। कहा फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, सैयदा का पहलू शिकस्ता था। ये पहले इमाम है जो गुस्ल को छोड़ के रो रहे हैं,
दूसरी हस्सी कौन है? जनाब ज़ैनब कुबरा जब जिंदान में एक बच्ची को गुस्ल दे रहे थे, का सैयद सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या कुर्ते समेत गुस्ल दे दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा। का बेटा क्यों ना कुर्ता उतारूं? का फूफी अम्मा मेरी बहन के जिस्म पे इतने जख्म है, अगर आप कुर्ता उतारेंगी जख्मों से खून जारी हो जाएगा। बस भी अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरी जुमले सुनेंगे, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले, बस भी ताबूत बरामद होने वाला। जब पांचवें इमाम गुस्ल दे रहे थे, एक मर्तबा चौथे इमाम को करवट दी, ना जाने पुश्त पे क्या देखा, पांचवें इमाम ने सर पे आप जमीन पे फेंका, सर को पीटना शुरू किया, कहा हाय मेरा बाबा, हाय सैयद सज्जाद। पूछा मौला क्या बात है? कहा आज तक मेरे बाबा की कमर पे निशान बाकी थे, न जाने कैसी जंजीरें थी, चौथे इमाम की कमर से निशान नहीं गए। कहा हाय मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। पांचवें इमाम रोते रहे, कहा मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। एक मर्तबा ताबूत उठा, दो मिनट के बसा, एक मर्तबा ताबूत उठा, जन्नतुल बकी ले गए। इमाम पंजुम ने बड़े ताजीम से जनाजा उठाया, सादात सारे मौजूद थे कब्र में। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा के पहलू में कब्र में इमाम सज्जाद को उतारा। इमाम सज्जाद ने भाइयों से कहा आराम से राशा रखना, बाबा की पुष्प पे बहुत निशान है। मेरा दिल कहता है चौथे इमाम कह रहे होंगे ओ मोहम्मद बाकर आराम से लाशा ना रखना, जब मैंने अपने बाबा को कब्र में उतारा मेरी दादी जहरा खड़ी थी, कहती थी सज्जा आराम से लाशा लो, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर। बस भाई मातम करते जाएंगे, पुरसा देंगे। ताबूत तो बरामद हो गया, मैं यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन एक जुमला ख़त्म नहीं होता। पांचवें इमाम से कहा लोगों ने मौला आपके बाबा की जो ऊँटनी है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही है, ना खा रही है ना पी रही है। मौला सज्जाद ने कहा ऊँटनी को खोल दो। जैसे इमाम बाकिर ने कहा ना ऊँटनी को खोल दो, ऊँटनी उठी सीधी जन्नतुल बकी में आई, चौथे इमाम की कब्र की पाइंटी में बैठी, सर को कब्र पर मारती जाती थी, आंसू बहते जाते थे। पांचवें इमाम से पूछा मौला ये जानवर है इसे क्या पता? कहा ये मेरे बाबा की जिंदान की साथी है, जब करबला से मेरे बाबा चले शाम का रास्ता था यही नाका थी, कहा अब ये जिएगी नहीं। या हुसैन।